हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 10, भालू का घर। तो चलिए पेज नंबर 25 निकालिए। निकाला सभी ने? ओके, आपको मेरे साथ साथ पढ़ते जाना है, ठीक है? निकालिए जल्दी से। चलिए पार्ट 10, भालू का घर। निकाला पेज नंबर 25, भालू का घर। घोड़ा रहता अस्तबल में, गाय खड़ी गौशाले में, शेर सोए गुफा में अपनी, चूहा छोटे से बिल में। सबके अपने अपने घर है, सबका है अपना आवास। आओ जाने किसका घर है, कैसा और क्या है इसमें खास। चलिए अब आप मेरे साथ साथ बोलते जाइएगा। एक था भालू, हर बार बरसात के मौसम में उसे भीगने से जुकाम हो जाता। बरसात से बचने के लिए किसी गुफा में रहना उसे पसंद नहीं था। कौन था? एक था भालू। एक था भालू, हर बार बरसात के मौसम में उसे भीगने से जुकाम हो जाता था। तो बरसात से बचने के लिए किसी गुफा में रहना उसे पसंद नहीं था। एक बार भालू ने सोचा, क्यों ना अपना एक घर बना लूं, जंगल का सबसे अच्छा घर। भालू ने बरसात से पहले अपना एक घर बना लिया। वह घर सचमुच सुंदर था, उसने बड़ी मेहनत से उसे बनाया था। तो भालू ने सोचा कि क्यों ना मैं अपना एक घर बना लूं, जंगल का सबसे अच्छा घर। तो भालू ने बरसात से पहले अपना एक घर बना लिया। वह घर सच में सुंदर था, उसने बड़ी मेहनत से बनाया था। दिखा इस पिक्चर में भालू का घर, देखिए उसने कितना सुंदर घर बनाया अपनी मेहनत से, है ना? पेज नंबर 26। भालू रोज जानवरों को बुला बुला कर अपना घर दिखाता। सबसे पहले उसका घर देखने के लिए उसके कई भालू दोस्त आए। सबने कहा, वाह भालू भाई, जिंदाबाद, है ना? भालू ने जो घर बनाया था वो रोजाना अपने दोस्तों को बुला बुला कर दिखाता था। सबसे पहले भालू के कई भालू दोस्त आए और सबने क्या कहा, वाह भालू भाई, जिंदाबाद, है ना? दूसरे दिन भालू ने गिलहरियों को और तीसरे दिन खरगोशों को बुलाया। वे आकर उसके घर के कोने कोने में दौड़े, उनके मुंह से निकला, वाह। चौथे दिन भालू ने बंदर को बुलाया। चौथे दिन किसको बुलाया उन्होंने? बंदर को बुलाया। बंदर को वह घर इतना पसंद आया कि वह खंभे पर चढ़कर सो गया। बाद में भालू को उसे जगाकर बाहर पेड़ पर भेजना पड़ा, है ना? बंदर को वो घर इतना पसंद आया कि वो उसके भालू वह उसके खंभे पर चढ़कर सो गया। बाद में भालू को उसे जगाकर बाहर पेड़ पर भेजना पड़ा, है ना? पांचवें दिन मुर्गियों का एक झुंड आया। मुर्गियां पूरे घर में कुड़कुड़ कुड़कुड़ करते हुए घूमी। उन्होंने भी भालू के घर की तारीफ की। पांचवें दिन कौन आया? मुर्गियां आई। उन्होंने पूरे घर में कुकड़ू करा और घूमी, है ना? उन्होंने भी भालू के घर की बहुत तारीफ की। देखो इसमें भालू के घर का अंदर का दृश्य, ये कुछ दोस्त आए भालू के, फिर खरगोश आए, है ना? फिर देखो मंकी भी आया, बंदर, है ना? तो वो सो गया था। फिर मुर्गियां आई जो इधर उधर दौड़ लगाती रही पूरे घर में, है ना? तो भालू के घर में उसके बहुत सारे साथी दोस्त आए, है ना? छठे दिन शेर का बच्चा अपने भाइयों के साथ आया। भालू को थोड़ा डर लगा, पर शेर के बच्चों ने उसे कुछ नहीं कहा। छठे दिन कौन आया? शेर का बच्चा आया अपने भाइयों के साथ, है ना? सातवें दिन बिल्ली मौसी अपनी बुआ के साथ आई। दोनों ने पूरा घर घूमकर देखा। बुआ बोली, बेटा घर तो अच्छा है,
पर तुमने दूध या मछली से हमारी खातिर नहीं की। क्या कहा? सातवें दिन कौन आया? बिल्ली मौसी अपनी बुआ के साथ आई। दोनों ने पूरा घर घूम घूम कर देखा। बुआ बोली, बेटा घर तो अच्छा है, पर तुमने दूध और मछली से हमारी खातिर नहीं की। किसने कहा ये? बिल्ली मौसी ने, है ना? ऐसा करते तो हमें और अच्छा लगता। भालू ने वादा किया कि एक दिन वह जरूर उन्हें दावत देगा। क्या कहा भालू ने? कि ठीक है, वो उन्हें एक दिन जरूर दावत देगा। भालू ने उनसे वादा किया। आठवें दिन भालू के घर के रोशनदान से कुछ चिड़ियां भीतर आई। वे सभी भालू का घर देखकर खुश थी, है ना? आठवें दिन कौन आया भालू के घर रोशनदान से? चिड़िया भीतर आई। वे सभी भालू का घर देखकर बहुत खुश थी। नौवें दिन लोमड़ी आई। भालू ने उसे नहीं बुलाया था, वह खुद चली आई थी। भालू ने उसे प्रेम से बैठाया। भालू का सुंदर घर देखकर लोमड़ी को अच्छा नहीं लगा। वह बोली, भाई घर के मामले में हाथी से ज्यादा कोई नहीं जानता, जरा हाथी से भी पूछ कर देखो। क्या बोली वो? कि घर के मामले में हाथी से तो ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता, हाथी को भी बुला कर देखो, है ना? क्योंकि उसे भालू का घर देखकर खुशी नहीं हुई थी, है ना? लोमड़ी को। तभी मैं मानूंगी बंदर और गिलहरियों जैसे जानवर घर के बारे में क्या जाने। क्या बोली लोमड़ी? कि हाथी से भी पूछ कर देखो, बंदर और गिलहरियां क्या जाने घर के बारे में। सबसे अपने घर की प्रशंसा सुनकर भालू घमंडी हो गया था, है ना? सबने उसके घर की बहुत तारीफ की थी, लेकिन लोमड़ी ने नहीं की, तो वो तो घमंडी हो गया था सबसे अपने घर की तारीफ सुनकर। दसवें दिन उसने हाथी को अपने घर पर दावत दी। दसवें दिन उसने क्या करा? हाथी को अपने घर बुलाया। हाथी छोटे मोटे पहाड़ जैसा था। हाथी सावधानी से घर के भीतर घुसा। पहले उसने अपनी सूंड अंदर डाली, फिर सिर, उसके बाद समूचा धड़। हाथी कैसे घुसा घर में? पहले उसने अपनी सूंड अंदर डाली, फिर सिर, उसके बाद समूचा धड़ अंदर डाला। हाथी के घुसने के बाद वहां जगह की कमी हो गई। क्या हुआ? हाथी के घुसने के बाद वहां जगह की कमी हो गई। हाथी और भालू दोनों ही उस घर में फंस गए। अब ना हाथी हिल पा रहा था ना भालू। हाथी ने कहा, भालू भाई अब मैं बाहर जा रहा हूँ। भालू बोला, हाँ यही ठीक होगा। क्या बोला भालू? कि हाँ यही ठीक होगा कि तुम घर में से बाहर निकल जाओ। पर हाथी भीतर फंस चुका था। उसने जोर से अपने पांव हिलाए। फिर बाहर निकलने के लिए उसने शरीर को जोर से हिलाया, है ना? हाथी भीतर फंस चुका था। उसने जोर से, देखो ये इसका घर, और भालू और हाथी की बातचीत देखो, है ना? हाथी जब उसके घर में घुसा तो हाथी ने उसका घर तोड़ दिया, क्योंकि वह फंस गया था, है ना? तो हाथी फंस चुका था। उसने जोर से अपने पांव हिलाए, फिर बाहर निकलने के लिए उसने शरीर को जोर से हिलाया। उसका सिर दीवार से टकरा गया, है ना? उसका सिर दीवार से टकरा गया। भालू का घर टूट गया। वह हाथी की पीठ पर छाते जैसा तन गया। हाथी ने शर्मा कर कहा, तुमने मुझे खुद बुलाया था, इसमें मेरी गलती नहीं है। क्या हुआ? भालू का घर टूट गया, है ना? उस हाथी ने शर्मा कर कहा, तुमने मुझे खुद बुलाया था, इसमें मेरी क्या गलती। अपनी मूर्खता पर भालू बहुत दुखी हुआ। हाथी अपनी पीठ पर भालू का घर लेकर चला गया। अपनी मूर्खता पर भालू बहुत दुखी हुआ। हाथी अपनी पीठ पर भालू का घर लेकर चला गया। और क्या हुआ? कि
वो भालू का घर लेकर चला गया। माइंड मैप, भालू का घर। बारिश आने पर भालू को जुकाम होता था, भालू ने घर बनाया, सभी जानवर देखने आए, है ना। देखिए यहाँ पर जानवर की पिक्चर से चिड़िया, बंदर, मुर्गी, बिल्ली, लोमड़ी और, है ना। पहले क्या है, भालू का घर। बारिश आने पर भालू को जुकाम होता था, भालू ने घर बनाया, सभी जानवर देखने आए, है ना, चिड़िया, बंदर, मुर्गी, बिल्ली, लोमड़ी और फिर हाथी। हाथी के कारण घर टूटा, भालू का घमंड भी टूटा, है ना। भालू को घमंड हो गया था ना अपने घर पे, तो हाथी के कारण भालू का घर टूटा और हाथी का घमंड भी टूटा, है ना। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, है ना। क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से हमें, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। आपको अच्छी लगी ये कहानी, आप इसे एक बार और पढ़िएगा तो आपको और मजा आएगा और अच्छे से समझ में भी आ जाएगी, है ना। तो समझ में आई ना ये कहानी, भालू का घर। क्या हुआ था इस कहानी में बताइए मुझे। हाँ, भालू ने बारिश से बचने के लिए एक घर बनाया, है ना, और बहुत सुंदर था घर लकड़ी का। फिर उसने सभी जानवरों को बुलाया, उसका घर देखने सभी जानवर आए, चिड़िया, गिलहरी, बंदर, बिल्ली, लोमड़ी, है ना, बहुत सारे जानवर उसका घर देखने आए। उसके भालू दोस्त भी आए और सभी ने बहुत तारीफ की। जब सभी ने बहुत तारीफ की तो भालू को थोड़ा घमंड हो गया था, है ना। फिर लोमड़ी ने, लोमड़ी को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा उसका घर, इतना बड़ा घर देखकर लोमड़ी को अच्छा नहीं लगा। उसने क्या कहा कि जरा हाथी को भी बुला कर देखो, तो हाथी को जानकारी कि घर कैसा होना चाहिए, है ना, है ना। और जब हाथी आया तो हाथी उस घर में फंस गया, और जब वो निकलने लगा तो उसका घर टूट गया और भालू का घमंड भी टूट गया, है ना। आई कहानी समझ में? ओके, इसको आप एक बार और पढ़िएगा और अपने मम्मी पापा को सुनाइएगा।